देखिए इसके अंदर एक ये सर्किट दिया गया है, एक मदरबोर्ड है जिसमें कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, और ये इस साइड में तीन कैपेसिटर हैं, यहाँ पर एक कंट्रोलर है, तीन इसमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिए गए हैं 1, 2, 3, और ये सेलेक्टर हैं। अंदर से जो है कुछ इस तरह से है, ये तीन इसमें ट्रांजिस्टर दिए गए हैं, ये पूरा एक अरेंजमेंट है, और ये कुछ बोर्ड हैं, मदरबोर्ड दिए गए हैं। ठीक है, ये भी बोर्ड हैं, यहाँ से पावर इन होती है। ये इसमें कुछ वॉल्यूम दिया गया जिसमें ये होता है सेंटर फ्रीक्वेंसी का, जिससे हम फ्रीक्वेंसी को सेंटर में करते हैं, ये होता है स्वीप विड्थ। स्वीप विड्थ का मतलब जो हमारी वेव चलती है, इस टाइप से जो वेव चलती है एसी साइकिल हो, तो उसके बीच में जो विड्थ है ये उसको कम ज़्यादा करने के लिए होता है। ये होता है हमारा कर्सर मोड कि हमें कौन से मोड पर जो है फ्रीक्वेंसी को लेना है। ये हमारा पावर स्विच है, पावर की एलईडी है। आरएफ लेवल, ये जो आरएफ सिग्नल होता है ये उसका लेवल बताता है ये कितना है। ये हमारा है, तीन फंक्शन लेता है रिमोट, जिसमें एक ऑटो रिमोट, दूसरा मैनुअल, किसी पर भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा है, ये है हमारा चैनल चेंज करने का, ये डिस्प्ले, यहाँ चैनल चेंज होते हैं। इसमें टोटल 12 चैनल और एक आरएफ मोड है जो यहाँ पर दिया गया है, ये चैनल सॉरी आईएफ से स्टार्ट होते हैं और ये यहाँ 12 तक जाते हैं, और ये उनकी सेटिंग है चैनल की फ्रीक्वेंसी की, जो पहले से ही सेट करी जाती है कि ये चैनल अगर इतनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है तो ये सही है, जो इसकी प्रोग्रामिंग है। ये हमारा एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें पीछे कुछ जैसे कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है उस टाइप्स का कुछ सिस्टम लगा हुआ है, ये कंट्रोलर है। अब इसकी मेन वर्किंग की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ से हमारी एसी इन होती है, इसमें ये वायर है, यहाँ से एसी इन होती है, फ्यूज भी इसी के अंदर अटैच है। एसी इन होने के बाद यहाँ से सीधे ट्रांसफार्मर में जाते हैं, ट्रांसफार्मर इसको रेक्टिफाई कर, इसको डीसी में कन्वर्ट करके देता है डायोड को। देखिए यहाँ डायोड है, ये 8 डायोड है इसमें। यहाँ से रेक्टिफाई होने के बाद कुछ वोल्टेज जाते हैं इस कंट्रोलर को, कुछ जाते हैं जो ये दूसरे कंट्रोलर को, और बाकी वोल्टेज जाते हैं इन प्लेटों को, मदरबोर्ड को, छोटे छोटे बोर्ड हैं जैसे हमारे कंप्यूटर में रैम वगैरह होती है ना, उस टाइप से। तीन ही अलग से हैं और तीन इसके अंदर हैं, इस टाइप से इसमें वोल्टेज जाते हैं। और उसके बाद ये जो मेन काम करता है ये होता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना, अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, कौन से चैनल को कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए है। VHF मोड पर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको, इसका काम करता है ये। यहाँ से ये इसमें इनपुट की एक पिन लगती है, यहाँ से इनपुट देने के बाद ये दो सेलेक्टर हैं इस टाइप से, ये देखिए ये जो पिन है ये देखिए, ये जो हमारा सेलेक्टर है ये यहाँ से इन होती है, इन होकर जाती है तो ऊपर वाले सेलेक्टर में, और ऊपर वाला सेलेक्टर का एक पॉइंट कनेक्ट है इस छोटे से डिवाइस से, और दूसरा पॉइंट कनेक्ट है नीचे वाले सेलेक्टर से। यहाँ से जाने के बाद फिर कंट्रोलर को जाती है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन देता है कंट्रोलर को, और हमें जो वैल्यू है आउटपुट हमें इसके पीछे मिलती है। ये इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं 4 इस कंट्रोलर को चार्ज रखने के लिए, ये एक मदरबोर्ड है इसमें,
और इसकी बैक साइड की अगर हम बात करें तो जहाँ देखिए यहाँ पर ये एसी इन फ्यूज़ हो गया, ये आईएफ इन के लिए है, और ये बाकी जो हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के जो लाइनिंग ड्रॉ थी उसके लिए होते हैं, और ये एक वॉल्यूम है इसमें मार्कर के लिए, और एक ये दूसरा वॉल्यूम है, दो वॉल्यूम मार्कर के लिए। और दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इसका नाम है TVVHF फ्रीमर जनरेटर, मतलब ये जो है VHF का मतलब होता है इसमें वेरी हाई फ्रीक्वेंसी फ्रीमर जनरेटर, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। इसका मॉडल नंबर है LSW 353 ए, और ये यूरोपियन जापान का बना हुआ है। इसके पीछे भी दिखा देता हूँ मैं आप, ये देखिए इसमें पीछे भी यहाँ पर भी लिखा हुआ है लेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान।